मुरैना से बड़ी खबर की शुरुआत मुरैना से मिल रही है, जहां बड़ी खबर आपको बताएं, गंजरामपुर में भीषण सड़क हादसे की खबर है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब तक 15 हो गई है। 5 लोगों के घायल होने की खबर है, सभी का इलाज जारी है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने 4 पहिया वाहन को टक्कर मारी थी। रेत का अवैध परिवहन कर रहा था ये ट्रैक्टर, जिसने 4 पहिया वाहन को टक्कर मारी। 15 लोगों की मौत हो चुकी है। रेत का अवैध परिवहन कर रहा था ये ट्रैक्टर। मुरैना के स्टेशन रोड थाने के गंजरामपुर की घटना बताई जा रही है, जहां यह सड़क हादसा हुआ। हादसे में मरने वालों की संख्या 15 हो चुकी है, 5 लोग घायल हैं, सभी का इलाज जारी है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने 4 पहिया वाहन को टक्कर मारी थी। रेत का अवैध परिवहन ये ट्रैक्टर कर रहा था, जिसके बाद अब तक मौत की संख्या 15 हो चुकी है। हादसा काफी भीषण था, ये सड़क हादसा गंजरामपुर में हुआ। मुरैना के गंजरामपुर में भीषण सड़क हादसा, जहां 15 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल हैं, सभी का इलाज जारी है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने 4 पहिया वाहन को टक्कर मारी थी, और इस टक्कर में 15 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। मुरैना से खबर बता रहे हैं, जहां गंजरामपुर में भीषण सड़क हादसा, और हादसे में अब तक 15 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 5 लोगों के घायल होने की खबर है। रेत का अवैध परिवहन एक ट्रैक्टर कर रहा था, और इसी ट्रैक्टर ने 4 पहिया वाहन को टक्कर मारी। जानकारी देंगे मुकेश शर्मा, मेरे सहयोगी फोन लाइन पर बने हुए हैं। मुकेश, काफी भीषण सड़क हादसा, अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? पारुल जी, मुरैना में अवैध रेत का परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर ट्राली ने जीप में टक्कर मारी है, जिसमें करीब 20 लोग सवार थे। इसमें से 15 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोगों का इलाज अभी जारी है, वो गंभीर रूप से, कुछ लोगों को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है जी। और घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने वहां रेस्क्यू पूरा कराया है, उसके बाद मृतकों की डेड बॉडियों को पीएम के लिए मुरैना अस्पताल भेजा गया है, और अभी वहां से पीएम चल रहा था। जिन बॉडियों का पीएम हो गया है, उन्हें ग्वालियर के लिए उनके गांव भेज दिया गया है, और पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैदी से तैनात है वहां पर, और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।